कैसा लगा मेरे को मिलके? बहुत बढ़िया, मोटा हो गया तू। हाँ तू तो पीछे मुड़ना जरा। मैं तो ऑलरेडी मोटा हूँ, मेरा तो कोई वो है ही नहीं। अबे घर जाके ना घर का घी खाया बेटा। हाँ इसके लिए मैं देख रहा था तेरा खाना क्या क्या था। गाइस मैं मॉल आया था दोस्तों के साथ, बट यहाँ पे हालात इतने नाजुक हो चुके हैं ना, क्या बोलता किसी ने बचपन लोग बहुत शॉपिंग करते रहे थे, बहुत भगाई भगाई शॉपिंग हो रही है। तो मैं सोचा आज ब्लॉग बना लेते, बाहर निकले बताते कि बॉम्बे में जो मॉल खुल चुके हैं उनके हालात कैसे हैं। लोग मानने को तैयार ही नहीं है भाई, और लाइन में लगी आंटी बोल रही है कि लाइन में लोगो, और ऐसे घूर घूर के देख रही, डंडा ही दे रही है। वो तीन तीन का फैमिली वाले लोग आए ना, वो ऐसे देख रहे कसन वाह मॉल तो बहुत बढ़िया बना है यहाँ पे इधर। तो आज गाइस अमित को शॉपिंग करवानी है, अमित इधर बिल्कुल कर नहीं रहा। अरे ये देख रही, ये वाले बहुत मुश्किल से होते हैं। ये कलर अच्छा लगेगा तेरे पे, मजाक नहीं कर रहा, बवाल लगेगा इस कलर में, ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ब्लैक में चाहिए हैं, ब्लैक में देख, ब्लैक में देखिए ये रहा। हां ये भी अच्छा अमित, अब स्कूल की पीटी पेशा पीटी करने थोड़ा जा रहा है। वैसे आपकी पसंद अच्छी है पर मेरे पे नहीं अच्छा। अब इसके नीचे व्हाइट पैंट पहनना, इसके नीचे व्हाइट पैंट और लाल जूता, ब्लू मेरे पे नहीं, लाल जूता और व्हाइट पैंट। अरे क्यों गरम कपड़ा मेरे पास यही नहीं। तो दिल्ली जाकर रहा, कल तो ले आएगा ना तू, जाके पहुंचते ही ठंडी पड़ेगी ना, बहुत खतरनाक पड़ेगी ठंडी। ऐसा कुछ देख रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसे ही भाई तू पागल है चिन्ह, मैं आके फ्लिपकार्ट पे कपड़े देख रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? तू यार लोग तेरी बहुत फैन फॉलोइंग है पता, लोग तेरे को भी बहुत प्यार करते हैं, बोले अमित जी आए नहीं। अच्छा फुटेज खाने के लिए आगे आ गया ना, बड़ा होशियार है तू, मैंने कैमरा ऑन किया नहीं, फटाफट आके बैठ गया। कर तू फ्लिपकार्ट पे कर शॉपिंग। गाइज रश देख लो तो, मतलब कि एक भी जगह ऐसी नहीं जो खाली है, मतलब पूरा खचाखच भरा पड़ा है, पूरा मॉल भरा पड़ा है। ये रहा इनऑर्बिट मॉल बॉम्बे का। तो अभी प्लान ऐसा है कि इनको लोगों को कुछ मिला नहीं, ये बोल रहे भी ज़ारा में जाके देखेंगे, बड़े लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोग घर से हैं, हम लोग गरीबों की तरह घूम रहे ताकि हमारी गाड़ी चार्ज हो जाए। पैसा बोलता है भाई, हम लोग लॉकडाउन में कपड़े नहीं ले पा रहे, यहाँ लोग कपड़े खरीद रहे हैं ज़ारा वारा में आके। ठीक है अपना टाइम भी आएगा, कोई बात नहीं, अभी ज़ारा चलते हैं इन्फिनिटी मॉल में, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मॉल है। गाड़ी कहाँ है? ये भी है, एक बार मैंने आपको विंडसर ग्रैंड दिखाई थी अंधेरी में कि मेरे को वो भी बड़ी पसंद है, तो मेरे को ये तीन बिल्डिंग भी पसंद है, तो मैं तीनों में तो रहूंगा नहीं। एक अजय देवगन तो हो नहीं कि एक टांग एक पे रखी तो एक टांग दूसरे पे रखी, मतलब सही बात बोली ना भाई, बहुत सही बात। अजय देवगन कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो गाइस अपना बैक रोड आ गया, आज ब्लॉग थोड़ा सा मैंने हंसी मजाक कर में करते करते बना दिया, बिकॉज मेरा मन था कि निकला हूँ। आजकल पापा का बड़ा डंडा होता है गाइस, पापा पता क्या बोलते, जैसे कहाँ पे है बाहर हूँ तो ब्लॉग बनाना, मेरे को पापा बाहर और निकले एक दिन बोलता कि कहता कि तुम पॉटी करते करते ब्लॉग बना दो, कहता क्योंकि दिन में अगर 24 घंटे अगर बात की जाए तो 20 घंटे तो पॉटी में करने घुसे रहते हो। तो मैंने कहा ये सब आइडिया तुम देते रहोगे ना तो ऐसे लगता है कि इस दिन ब्लॉग चैनल बंद ही हो जाएगा, क्या बोलता हूँ पॉटी करते करते ब्लॉग बनाता हूँ एक दिन, वो भी सही है। चल कोई ना, लेफ्ट मुंडा ना भाई। यहाँ पे हो रहा है चेकिंग RT-PCR की और वैक्सीन की, तो सबको करवानी है तभी मॉल में एंट्री मिलेगी। अभी ज़ारा में चेकने कपड़े, इतनी शॉपिंग क्यों कर रहा, कहीं जा रहा है तू क्या? हाँ तो नहीं बताना कहीं जा रहा है, किधर जा रहा हूँ? दिल्ली जा रहा हूँ ना। दिल्ली नहीं होता, दिल्ली होता है, दिल्ली जा। आप ऐसा स्वेटर बना सकते हो सेम ऐसे कलर में, एक बार कलर देख लो, यहाँ पे ये 5,000 का है तो मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा। अरे ठीक है ना, बन जाएगा आराम से, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। एक चीज़ का गाइस आइडिया लगाया है कि मैं अंदर वही बात कर रहा था कि स्वेटर देख ली ना हमने, अब फैन है किसका, मेरा फैन है मेरे को पता है, मैं स्वेटर देख ली ना मम्मी को भेज दी, तो ऐसे करने का डिज़ाइन देख लेने का, तो वहाँ जाके सब हॉजरी की दुकान में बन जाता, सस्ता 700-800 में बन जाता भाई। भाई 5,000 के दे रहे, अभी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, अभी नया माल आया तो अभी सेल वेल कुछ भी नहीं है, तो कोविड के टाइम पर तो मतलब अभी ये लोग कमाना शुरू हुए हैं तो खुद ही मतलब सेल मार्क से शर्म आती है। किधर जाना है? वॉशरूम, मेरे को भी जाना है वॉशरूम। ओ भाई ग्रीन बाल अंकल खतरनाक है भाई ये तो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ओपीपोला में कुछ खाने के लिए, क्योंकि ज़ारा में तो कुछ मिला नहीं, ज़ारा वैसे मैंने आपको नीचे बोला औकात के बाहर हो चुका था, नया माल बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता था। अभी हम ओपीपोला में कुछ खाएंगे अच्छे से, फिर हम गाना आ रहा है कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, इसलिए खाने के बाद मिलते हैं।
गाइज ये व्लॉग कल के व्लॉग के साथ ही कंटिन्यू होगा, बिकॉज कल मैं अमित के साथ और हमारे एक और दोस्त है, हम लोग मस्ती करते करते ज़्यादा ही मस्त हो गए थे। उनको शॉपिंग करनी थी, मेरे को भी थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल गया, मैं कहा चलो मैं भी बाहर जा आता हूँ। तो शायद मैंने कल के व्लॉग में स्टार्टिंग नहीं की थी, मैंने जो कल का व्लॉग खुद देखा, एक्चुअली क्या हुआ था उसमें जो फुटेज था, एक स्टार्टिंग है जब मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा था, व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक, वो आई थिंक माइक का जैक तो लगा नहीं हुआ था, तो इस वजह से शायद वो आया नहीं। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, जिम मैं अभी नहीं गया बिकॉज जिम मेरा वैसे भी 13 तारीख को ख़त्म होने वाला, तो 4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा जिम। तो एज़ पर योर नॉलेज, और मैंने आपको बताया ही था कि मैं कोई भी जिम ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं करता हूँ, मतलब चेंज करते रहता हूँ, ताकि नए नए जिम में जाओ, नए नए दोस्त बनाओ, नए नए एनवायरनमेंट देखो। तो इस बार भी देखते हैं कौन सा जिम देखना है, कौन सा नहीं देखना जाके। तो फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं। गाइज मैं सारा शॉपिंग करके नहीं आया हूँ, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करके आया हूँ, जा रहा हूँ करने, एक सेकंड दे दो मेरे को, जरा लैट में आन दो, लैट में गाइज। तो सीन क्या होता है ना कि H&M की एक वो पॉलिसी है कि अगर आप पुराने कपड़े लेके आते हो तो आपको 15% ऑफ मिल जाता है, मतलब कूपन दे देते हैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि साल साल में अपने जो जो पुराने कपड़े हैं ना उसको निकाल देता हूँ, ताकि देख फ़ायदा अपने को ही यार, जाएंगे ऐसे महंगा कपड़ा लेंगे, अगर ऑफ भी मिल रहा है तो फ़ायदा ही है ना। अगर 4 बैग भी दे दी, 4 बैग से 15% ऑफ मिल गया तो फायदे में रहती, जिंदा महंगाई वैसे ही बहुत बढ़ रही है तो हमें पंगे लेने नहीं है। तो मैं जाके सीधा अमित को मिलता हूँ, फिर हम आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। साला एक चीज़ समझ नहीं आती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई क्यों होती है, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे जाके लोगों को खड़ा होना होता है, फिर उसके बाद लोग पता क्या बोलते हैं कि भाई गलती तो इनकी है, फिर लोग जब सड़क क्रॉस करते हैं वो जब इनको ताड़ते हैं ऐसे गुस्से में तो ये लोग कुछ अलग से रिएक्शन देते हैं। तो गाइस थोड़ा सा ना रोड डिसिप्लिन समझो और सीखो, बहुत ज़रूरी है। फिर यही लोग ना बाहर जाके बड़ी तारीफें करते हैं, बाहर के देश में ये अच्छा है, बाहर के देश में वो अच्छा है, अबे तो अपने देश में भी अच्छा हो सकता है। गाइस मैं ज्ञान नहीं दे रहा, सिर्फ बात बता रहा हूँ कि लॉजिकली मेरे सामने आ गया, तो मेरी ड्यूटी है थोड़ा सा बताना एज अ इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस करना चीज़ों को। बाकी गाइस यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने फॉलोअर्स कितने हो गए हैं, आई थिंक वी आर ऑन 880। हाँ यार 880 पहुँच गए हम लोग, मतलब 1000 हो जाएंगे, फिर 10000 हो जाएंगे, फिर 100K हो जाएंगे, फिर चलो गिनती बढ़ती रहेगी, तुम लोग ऐसे प्यार देते रहोगे। और जो लोग आप वीडियो देखते हो ना प्लीज़ यार आप लोग शेयर कर दिया करो, शेयर करने से पता क्या होगा एल्गोरिथम अच्छा रहता है, कमेंट कर दिया करो उससे भी एल्गोरिथम अच्छा रहता है, और लाइक करोगे तो उससे और अच्छा रहेगा। नहीं ये कुछ कपड़े हैं, मतलब मैंने कपड़े सब पैक कर दिए ना निकल, तो ऐसे घूमेगा आज? घूमूंगा मतलब कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरे को तो वो ये पीछे बैग वापस करने जाना है यार, पुराने कपड़े किधर? H&M में कूपन मिल जाता ना फिर। अच्छा तू मतलब थोड़ा तरीके से तो तैयार हो के आया कर। अरे तुम्हें निकलना है ना मुझे। कहाँ आज? आज नहीं मतलब परसों, तो मैं सब कपड़े धुल दिए मेरे। धुल दिए कि धो दिए हैं? धुल दिए हैं। क्या हो रहा है मेरी बॉडी में? पता नहीं अजीब सा करंट जैसा लग रहा है, चुभ रहा है। जितनी बार मेरे को टच कर रहा ना उतनी बार इसको करंट लग रहा है। करके देख एक बार, करके देखना लगेगा करंट, करके देख सही में। तो 3 बार लगा करंट इसको, पता हो क्यों रहा, मैं बिजली महादेव जाके आया था। सही में बोल रहा हूँ, करके देख ट्राई करके देख एक बार। तो गाइज मेरे को खाने हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स खाने के लिए अंदर भड़क रही, बोलता अंदर फ्रेश नहीं मिलेगा। अंदर किसने बोला अंदर फ्रेश नहीं मिलता? नहीं मिलता। ये हर बात को ना नेगेटिवली क्लेम कर देगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, पहले ना कर देगा, ना ऊपर नहीं करता, यहाँ बोलना मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी हम बाहर देखते हैं, बाहर के फ्रेश कटवाते हैं अच्छे से। तो इन ऑर्बिट से हम बाहर निकलते हैं, H&M का सामान दे दिया अपने को, 30% कूपन मिल गए हैं ऑफ, दैट इज गुड थिंग। बहुत दूर है वो, डरता क्यों है तू इतनी जल्दी? चल बैठ बैठ ये थोड़ी ना क्या हो गया तेरे को? तेको पता नहीं गाड़ी का है? मर्सिडीज के बाजू में है। शाबाश बेटा, मर्सिडीज याद है तुम्हें, हमारी गाड़ी याद नहीं है। गाइस तुम लोगों ने GT के दर्शन नहीं किए ना, CGT मस्त है, अच्छी चल रही है। घूमने का प्लान क्या करना भाई? बोल तो दिया डन है, दो जगह सोची, अभी नहीं बताएंगे हम व्लॉग में, नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। तो जगह डिसाइड कर ली है ना? तो गाइस घूमने का प्लान बन रहा है इस महीने के एंड तक, जगह आपको जल्दी पता लग जाएगी, बहुत मजा आने वाला है, मतलब इतना मजा आने वाला है कि अमित कितना मजा आएगा? बहुत मजा, बहुत बहुत मजा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो गाइज आज है छठ पूजा, तो अमित आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारा भाई मतलब कि बिहार से है, और छठ पूजा एक बहुत बहुत बड़ा एक फेस्टिवल बनाया जाता है ना,
तो इस पूजा जनरली महापर्व बोलते हैं, महापर्व। तो माँ बाप मतलब मम्मी ये अपने बच्चों के लिए रखती है ना बेसिकली, फैमिली के लिए, मतलब हर चीज के लिए बोला जा सकता है इसको, कि हर चीज के लिए, तब बरकत हो, बिजनेस हो, बच्चों के लिए हो, करियर के लिए हो। तो होता क्या छठ पूजा में, वैसे होता क्या प्रेजेंटेशन कैसे होती है? 72 आवर्स का ये अभी आज से चालू हो गया, ठीक है, नहाए खाए है आज फर्स्ट डे, हाँ, कल होगा खरना और अगले दिन होगा तुम्हारा सजिया अर्घ बोलते हैं, सजिया अर्घ मतलब शाम का अर्घ, अर्घ देना होता है, अर्घ देना होता है। तो 72 आवर्स के लिए जो भी इस पूजा को मतलब ये पूजा करता है, जो इसको रखता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्टिंग रखते, फास्ट रखते हैं, हाँ। तो वो 72 आवर्स होता है बिना कुछ खाए पिए, हाँ। और 72 आवर्स के बाद ही वो अपने व्रत को मतलब तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो भी परना के दिन, जिस दिन सूर्य सुबह का जो होता है सनराइज होता है, हाँ। और क्या पूछने लगा था मैं, फास्टिंग ये सूर्य देवता की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है, उन्हीं को छठी मैया बोलते हैं। वेरी गुड। तो गाइज अपने देश के अपने कल्चर्स जो है ना, मतलब आगे पीछे दोस्तों के, क्योंकि हमारे काफी दोस्त अलग अलग मतलब की रिलीजन से आते हैं, अलग अलग मतलब यू नो धर्मों से आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। कल को आप उनके घर जा रहे हो, आपको सिस्टम पता नहीं है, तो फिर आपको खुद आप पीएफओ बनते हो, इसलिए हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये मेरे साथ घर ही चल रहा है, बोलता खाना बनाने का मन कर रहा है, मैं चल तू मेरे घर खाना बना ले जाके। भाई इसको खाना बनाने की बहुत गंदी आदत है, अब से नहीं मतलब बहुत सालों से गंदी आदत है, तो जब बनाता है ना तो मतलब बहुत टाइम लेगा, पूरा टाइम लेगा, साथ में किचन में घुसा रहे और किचन की पूरी माँ बहन एक करके दे देगा, है ना। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी ऐसे बोला, आइल्स के पेपर दे के आया तू। वैसे खाना बना रहा, प्याज काट दे, पनीर बना रहा, इसको पनीर बनाना है लड़के को भी घर पे, और ये कचरा करेगा, कचरा तो नहीं करेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, पक्की बात है। कौन सा किस तरह का पनीर बना रहा है? मटर पनीर। इधर देख के बात किया करना, मटर पनीर बना रहा हूँ मैं। अच्छा, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स हाँ, क्या क्या डलेंगे? नॉर्मल रहेगा, कांदे, बंद करना उसको यार, एक मिनट, ये मेरे भुगतान करो पहले, पैसे भरो तभी फोन चलते हैं, मुश्किल से नहीं। तो गाइज अभी ये खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाला मैं, और जब खाना बनाता ना खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है घर है आओ खाना बना बनाओ, एंजॉय करो, चिल मारो। तो वो भी देखते हैं ये किस तरह से बनाएगा, आपको दिखाता हूँ कितना गंदा डालने वाला है, स्टे ट्यून्ड। ये दूध रख दे, खराब हो जाएगा। तो तेरे को मतलब बोला टेट्रा पैक घर पे है, तो दूध मंगाने की जरूरत क्या थी? मतलब ये देखना टेट्रा पैक दो पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्या हो गया? अरे मतलब जरूरत नहीं थी ना, दो पैकेट क्यों मंगाए? ठीक है बाकी घर पे काम आते, तू अभी सारे खाने खा जाए है? पायल कढ़ाई में, कढ़ाई नीचे देख कहीं पड़ी होगी, इधर नहीं, वो नहीं, वही वाली कढ़ाई है, नहीं वो कढ़ाई नहीं है, हाँ तो इसमें देखना नीचे सारे बर्तन पड़े हैं ना, आराम से सलीके से निकालना, सलीके से, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं हमको। ये क्या है? ये लहसुन, पनीर इतने में हो जाएगा? फ्रिज में रख दो उस पनीर को, लिच पिछा जो हो गया, लिच पिछा से और बड़ा नहीं है, वैसे मेरे को पता करवा तेरे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये मटर डालने है, पनीर डालना है, बस हो गया, बन गया, बस हो गया। तो दूध किस लिए मंगाया फिर? दूध पीने के लिए, दूध भी डालेगा ना उसमें? क्यों दूध पीने के लिए क्यों मंगाया? चाय पीता हूं मैं उसमें। अच्छा चाय, वो काजू को ग्राइंड करके उसे प्यूरी बना के डाल दिया, हो गया, तूने गैस सिम करने के चक्कर में गैस पूरी बंद ही कर दी। अच्छा सॉरी, सही लग रहा है, बंद करके लगाते हैं स्विच हमेशा, सिखाया नहीं तुमको इतना? स्विच ऑन कर, उसके ऊपर हाथ रख, बस इसके ऊपर हाथ रख, ठीक है? कुछ बहुत सही है यार, खाना बन गया? यस, बहुत शांति ना, बहुत शांति, मिल गई तसल्ली खाना बनाने की तरफ। बाय बाय, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके? थैंक यू सो मच। क्या है वैसे? सो गाइस आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो कंसिस्टेंसी अपनी चालू और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, एवरीवन विंस द रेस, और मैं भी उसी रेस में आगे बढ़ूंगा। मेहनत मेरी है और रहमत आप लोगों की है। लाइक कर दे करो, सब्सक्राइब कर दे करो, शेयर कर दियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम। ओह।